आपका स्वागत करेंगे देश प्रदेश में अपरू करते हैं राजस्थान की खबरों का। तो पीएम मोदी के निर्देश पर वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उदयपुर पहुंचे और एक अलग नजारा देखने को मिला। जीएसटी के नाम पर मंत्री से लेकर लगातार प्रधानमंत्री तक आमजन के खुश होने की बात करें, लेकिन हालात उल्टे हैं। मेघवाल के उदयपुर पहुंचने पर प्रदेश के कई जिलों से आए कारोबारियों उद्योगपतियों का आक्रोश फूटा। लोगों ने उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। पहले तो नाराज हुए और उसके बाद में उन्होंने व्यापारियों को समझाइश की और वो प्यार से पुचकारा फटकार भी लगाई और कहा कि अब हम सरकार तक आपकी समस्या पहुंचाएंगे, सरकार आपको अकेला नहीं छोड़ रही, आपकी जायज मांगों पर विचार होगा और आपको घाटा नहीं होने दिया जाएगा। कुछ भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। आपकी वेदना को मैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और तमाम राजस्व अधिकारियों तक पहुँचाऊंगा। और सदर राजस्थान ने पूरे प्रदेश में जिस तरह मुहिम चला रखी कि आमजन को किस तरह से राहत मिले, उस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद आज अर्जुन राम मेघवाल ने भी मुहर लगाई है। वहीं कारोबारियों ने समय राजस्थान की मुहिम का आभार जताते हुए कहा कि समय राजस्थान के चलते आज हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है, हमें समाधान मिलता दिख रहा है। और ऐसे में मंत्री जी से बात की हमारे संवाददाता हेमेंद्र श्रीमाली ने। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल यहाँ उदयपुर आए, व्यापारियों और उद्योगपतियों से चर्चा की। काफी सारे सवाल यहाँ पर आए हैं, क्या मुख्य मुद्दा उदयपुर में? बड़ा विषय मार्बल का था और उसको हमने व्यापारियों से भी बात की, अधिकारियों से बात की, सुझाव भी लिए हैं और कोई तरीका निकालेंगे। पूरे उदयपुर में या ऑल ओवर राजस्थान में या हिंदुस्तान में आप घूम रहे हैं, लेकिन व्यापारियों उद्योग आमजन का ये व्यापारियों के हित में ही है जीएसटी जी, और आपके भी हित में। अपील क्या करेंगे? हम अपील करेंगे कि ये जीएसटी वाकई अच्छा और सरल कर है, ये व्यापारियों के हित में। वित्त राज्य मंत्री से क्या आपने अपील की? हमारे सभी एसएसओ ने अपनी बात को रखा, मंत्री जी ने पूरी बात को धैर्य के साथ सुना और उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिस जिस में विसंगतियां हैं, मंत्री मोदी ने विश्वास दिलाया कि एक महीने के अंदर जीएसटी काउंसिल मीटिंग की बैठक करके उसमें जो विसंगतियां उसे सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ में सुनकर हम इस विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यही हमारी मांग थी और यही उन्होंने सुना, इसलिए उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आपको लगता है कि आपकी बातों को सुना जाएगा और उस पे समाधान निकल आएगा? बातों को अगर नहीं सुना जाएगा तो ये व्यापारी वर्ग जो टैक्स देता है, करदाता है, अगर नहीं सुना जाएगा तो उसके परिणाम भी सरकार को भोगने पड़ेंगे। सरकार को परिणाम भोगने पड़ेंगे अगर उनकी बात, व्यापारियों की बात, कारोबारियों की बात नहीं सुनी गई। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कई कवायद कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को, आम जनता को, हितों को साथ में लेकर और उनकी सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। हेमेंद्र श्रीमाली, समय राजस्थान, उदयपुर।